आज हमारा करवा चौथ का फास्ट है आज, और मैं 8th month की प्रेग्नेंट हूँ। सुबह से बैठे हैं हम भूखे प्यासे, ना कोई सुन रहा है ना कुछ। हम जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। हमको यहाँ भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं, और ये लोग हम पर ध्यान नहीं दे रहे। तब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। जो कुछ भी हो जाए, जो मरना आ जाए, कुछ भी हो जाए। हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। हम सुबह 8:30 बजे से यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक भी हमसे कोई मिलने नहीं आया है। ना किसी को ख्याल है कि हमसे मिला जाए। रात का अंधेरा हो चुका है और हम रोड पे बैठे हैं। आज इन प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। सुबह से हम फास्ट के घर पे यहाँ पे बैठे हुए, भूखे प्यासे रोड पे बैठे हुए, लेकिन कोई अभी तक हमारी सुनने नहीं आया है। आज कंटिन्यू 3rd दिन है, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। एक भी ऊपर से एक भी ऑफिसर आके बात करने को तैयार नहीं है। बच्चे हैं, कोई प्रेग्नेंट है लेडी, किसी का थर्सडे का फास्ट है, किसी का करवा चौथ का फास्ट है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को कोई इश्यू होता ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी EDMC और SGMC की होगी और किसी की नहीं होगी। सर, हमारे साथ बिल्कुल इनजस्टिस हुआ है और हमारे घर वाले भी परेशान है, लेकिन हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलती। हम लड़कियां होके भी इसी सड़क पे बैठी रहेंगी और हमें बस EDM से ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दो। Ready to go.